हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिजबिलिया एकेडमी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपकी पहली इकाइयों से आखिरी कविता, जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता है, तो उस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस कविता के कवि और इस कविता में हमें क्या दिया है यह जान लेंगे। तो इस कविता के कवि हैं गोपाल दास सक्सेना जी, जो कि नीरज नाम से भी लेखन करते हैं। तो उनके बहुत सारे रचनाएं प्रसिद्ध हैं, उनमें से बादर बलस बरस गए, नीरज रचनावली, नीरज की गीताएं, दर्द दिया है आदि बहुत प्रसिद्ध है। तो यह गोपाल दास सक्सेना जी पद्म भूषण है, उन्हें कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। तो इन्होंने इस कविता में विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याएं और उनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। अब हम इस कविता के स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। उसमें से पहला सवाल देखिए कि सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। यह सवाल आपके पाठ्य पुस्तक में स्वाध्याय में दिया हुआ नहीं है, यह आपके प्रैक्टिस के लिए हमने आपको दिया है। तो इसमें से पहला वाक्य देखिए, कुछ डैश डैश के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, इसका उत्तर है सपनों। दूसरा, कुछ दीपों के बुझ जाने से डैश डैश नहीं मरा करता है, इसका उत्तर है आंगन। तीसरा, कितने बार डैश डैश फूटी शिकन न पर आई पनघट पर, इसका उत्तर है गगरिया। चौथा, चंदा खिलौनों के खाने से डैश डैश नहीं मरा करता है, उत्तर बचपन। अगला सवाल, प्रश्न दूसरा, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय में पहला सवाल है, वो कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। उनमें से पहली पंक्ति, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, इसका अर्थ है वाक्य। तो उत्तर देखिए, हर वर्ष पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु जैसे ही वसंत का आगमन होता है, सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लच जाते हैं। पतझड़ के लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। दूसरा, कितने बार गगरिया फूटी शिकन पर न आए पनघट पर, इसका अर्थ देखिए, पनघट पर स्त्रियां बच्चों हर समय पानी भरते रहते हैं, अनेक बार उनकी गगरिया गिरकर एक दूसरे से टकरा कर टूट जाती है, परंतु पनघट उसके लिए कभी दुख नहीं मनाता, उसके रौनक में कभी कमी नहीं आती। अगला सवाल, प्रश्न तीसरा, इस कविता का मुख्य आशय लिखो। तो देखिए उत्तर, कविता का आशय है कि हमें सफलताओं असफलताओं के बारे सफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल पाने की कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ सपने पूरे न होने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। अगला सवाल, प्रश्न चौथा, जीवन के शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियां लिखो। उत्तर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतर चांदनी, पहने सुबह धूप की धुनी। यहाँ पे हमारा इस कविता का स्वाध्याय तो समाप्त होता है, लेकिन इस कविता के संदर्भ में आने वाला भाषा की ओर भी हम देखने वाले हैं। तो पांचवा सवाल, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नए शब्द बनाओ, उनमें से दीप। इससे हमें और नए शब्द बनाने हैं। तो देखिए, शब्द दीप शिखा, दीप स्तंभ, दीपावली, दीप माला। अगला प्रश्न छठा, निम्नलिखित शब्द समानार्थी शब्दों कविता से लेखो। इनमें से देखिए, आंसू अश्रु, दिया दीप, बगीचा उपवन, कुसुम फूल। प्रश्न सातवां, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखो। तो इसमें से देखिए, सपना सपने, समस्या समस्याएं, पोथी पोथियां, खिलौना खिलौने। यहाँ पे हमारे इस कविता का स्वाध्याय खत्म होता है। अगर आपको इस स्वाध्याय में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी मैसेज के स्वरूप में आपके परेशानियां पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिख रहे बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, ताकि आपको वीडियो के बारे में सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह से हमारे लाइव लेक्चर्स अटेंड करने के लिए हमारा जो सेकेंड चैनल है, जिसका नाम है गुरवरिया एकेडमी लाइव चैनल, उसे भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो इसी तरह से इससे पहले और इससे आगे वाले पाठ, कविता और स्वाध्याय के वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको यत्ता सातवीं हिंदी इस फोल्डर में सभी वीडियोस मिलेंगे। तो उसके लिए तो वहां पे जाइए, वो सभी वीडियोस देखिए, बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। तो यह सभी वीडियोस इस कविता के संदर्भ में नोट्स
असाइनमेंट और टेस्ट ये सभी आपको गुरवरिया एकेडमी इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए, गुरवरिया एकेडमी सर्च कीजिए और यह एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। यह एप्लीकेशन सबके लिए बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। इस एप्लीकेशन में हमने चैट सेक्शन दिया है जिसके भीतर आप पाठ, कविता और स्वाध्याय के बारे में आपके मन में जो कुछ भी डाउट्स है वह आपके और क्लासमेट के साथ मिलकर ग्रुप डिस्कशन करके सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से वहाँ पे हमारे टीचर्स भी हैं, उनके साथ भी आप ग्रुप डिस्कस करके आपके सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी, वहाँ पे जाकर भी आप यह एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके लिंक्स भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पे भी जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो इसी तरह से बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई करने के लिए इस एप्लीकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हम रुकेंगे, जल्द ही मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।